नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। शिक्षा विभाग में जब से के पाठक आए हैं, लगातार आए दिन खबरें निकल के सामने आ रही है, लेकिन अब जो खबर आई है वो चौंकाने वाली खबर है। जी, आपको बता दें कि पिछले 16 साल से अपने छोटे भाई की नौकरी जो है बड़ा भाई कर रहा था और एक शिक्षक था। मामला बिहार के औरंगाबाद जिले से निकल के आई है, जो कि काफी ये मामला जो है अजीबो गरीब है। 16 वर्षों से अपने छोटे भाई की नौकरी जो है बड़ा भाई कर रहा था। आपको बता दें कि ये मामला जो है जहां पे एक शिक्षक पिछले कई वर्ष से अपने छोटे भाई के नाम पर आंखों में धूल झोंककर नगर परिषद के एक विद्यालय में कार्यरत था। मामले का खुलासा तब हुआ जब तत्कालीन नगर पालिका के चेयरमैन रहे रईस आजम खान जो है जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से इस मामले में ऑनलाइन शिकायत की और उक्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए लोक शिकायत निवारण जो है पदाधिकारी मंजू प्रसाद ने 31 जुलाई को पूरे मामले में सुनवाई करते हुए उक्त शिक्षक का जो है वेतन स्थगित कर दिया गया। हालांकि आपको बता दें कि पिछले 16 सालों से ये शिक्षक जो है अपने भाई के नाम पर नौकरी कर रहा था, प्रशासन के और विभाग के आंख में धूल झोंक रहा था। सबसे पहले आप पूर्व चेयरमैन को सुने कि वो क्या कुछ करें इस पूरे मामले में। 2006-07 की बहाली थी टीचर की, जिसमें शहनवाज आलम का बहाली हुई थी नगर परिषद की ओर से। मैं वहाँ का चेयरमैन था उस वक्त, रईस आजम खान, और बहाली में शहनवाज आलम का हुआ था। लेकिन 2006-07 से ही इरशाद आलम जो है शहनवाज आलम के नौकरी पर ये जा रहे हैं। इरशाद आलम 16-17 साल हो गया है। ये जो गबन का मामला है और ये चिटिंग का मामला है, मैंने मंजू प्रसाद के यहाँ जो है कि रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसका ये रिपोर्ट है। इसमें डिग्री हुआ हम लोगों का, और ये जो है कि उनका बर्खास्त करने का चिट्ठी भी निकल गया है नगर परिषद में। नगर परिषद बहाल किया था इसको, जो है नगर परिषद ही डिसमिस करेगा। एक साल का मामला हो गया, एक साल से लगे हुए, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही उस पर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसके जो कि नौकरी जो है उसकी जाए, उससे पैसा सूला जाए। बिहार का पैसा लूटा है 16-17 साल, पैसा लौटाया जाए और उनके ऊपर FIR किया जाए। इरशाद आलम के ऊपर बहाली हुआ है शहनवाज आलम का, और नौकरी पर जा रहे हैं इरशाद आलम। 16-17 साल हो गया। चिट्ठी निकाला, बस यही विनती है हमारी, यही विनती है हमारे कि DPO ने चिट्ठी निकाला है, DPO ने चिट्ठी निकाला कि बर्खास्त करने के संबंध में नगर परिषद को, तत्पालक पदाधिकारी कार्य को, कि इनको बर्खास्त किया जाए। कटपालक जी से मिले तो कहें कि जांच होगा, अभी जो कि बैठक होगी, बैठक में ही होगा। मामला एक साल का हो गया है, अभी तक वो भी लटका, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, लटका के रखे हुए इन लोग। वेतन रुक गया है लेकिन उनकी नौकरी नहीं जा रही। रुपया सूला जाए, बिहार गवर्नमेंट का रुपया है वो सूला जाए, और इनको इनके ऊपर FIR हो इरशाद आलम पर, छोटे भाई के नाम पर। ये इरशाद आलम जो है नौकरी कर रहे हैं 16-17 साल से, इसमें न्याय मिलना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट की ओर से बोल रहा हूँ कि राजस्व की जो कि ये लूट हो रहा है, शिक्षा विभाग का लूट, शिक्षा विभाग के पैसा का जो कि गबन हो रहा है, ये रुपया जो है उसे लौटाया जाए, उन पर FIR किया जाए। बस यही मांग है हमारी, बाकी टोटल रिपोर्ट है हमारा। मंजू प्रसाद जी ने भी जांच में लिखा है, पेपर नहीं दे रहे हैं वो। इरशाद आलम बोलते हैं कि पेपर नहीं है हमारे पास, झूठ बोल देते हैं। आप लोग से गुजारिश है कि उनकी उनसे पैसा सूला जाए और उनके ऊपर FIR किया जाए और सेवा से उनको मुक्ति दिया जाए। आपने पूर्व चेयरमैन को सुना, जिन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से जो है फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा था ये शिक्षक, और साथ ही इस मामले में शिक्षक क्या कुछ सफाई दिए हैं, आप वो भी सुनिए।
लेके हम सर आप पे आरोप लगाया गया है कि आप अपने भाई के नाम पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जबकि आपका वेतन भी बंद कर रखा गया है, क्या कहेंगे? हाँ कहेंगे कि वेतन जो बंद है हमारा, विद्यालय में काम ना होने के कारण जो विद्यालय फंड आया है तो हम लोग को वेतन फंड जो है हम लोग के अकाउंट में नहीं आया है, एचएम के अकाउंट में, एचएम चेंज है, नया एचएम आया है, तो नया एचएम के पास अभी खाता खुला नहीं है, खाता खुलवाएंगे तो उसमें फंड आएगा तो काम होगा तो हम लोग का वेतन चालू होगा। बीओ साहब इसी कारण रोके, बीओ साहब से मिले हुए थे कि हम लोग का वेतन चालू किया जाए, एचएम काम कराएंगे तो उसमें हम लोग का क्या योगदान है, टीचर का कोई योगदान नहीं, टीचर सिर्फ खड़ा होकर काम करा सकता है या पढ़ा सकता है। आरोप जहाँ तक की बात है तो आरोप जो है वो आपको ऑफिस का मामला है, ये ऑफिस देखेगा, ना कि खाली मौखिक बोलने से या कहने से होता है कोई काम। और जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं ऑफिस में सुनेगा, जो ऑफिस बोलेगा वो हम भी करेंगे। अभी तो कागज पत्र जो है सब जांच का विषय है, जांच होने की चीज है, जांच का। तो आदेश तो आ गया है आपका डीपीओ स्थापना का, तो आदेश आया है तो सर हमको तो इसके बारे में खबर ही नहीं है, आपके माध्यम से पता चल रहा है कि आदेश आ गया है, हमारे एचएम के पास तो कोई आदेश नहीं आया है। एचएम के पास तो आदेश आएगा ना कि आपके भाई टीचर का इस तरह का मामला है, हमारे पास भेजा जाए, कुछ भी किया जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है, ना पेपर मांगा गया है, कोई राइटिंग में अगर है ऑफिस से तो पूछिए कौन सा पेपर मांगा गया हमसे या राइटिंग में हमको कौन सा दिया गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज आलम। और आपके छोटे भाई का? हमारे एक नौशाद आलम हो गए, शमशाद आलम हो गए, एक हम हो गए, हमसे जो छोटा है उसका फिर सिर्फ शाहनवाज आलम नाम हो गया। आरोप लगाया जा रहा है कि आप गलत हैं, तो गलत है तो ऑफिस देखेगा, काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, रेगुलर हम यहाँ हैं, जब से ज्वाइन किए तब से हम यहाँ हैं। और ज़मीन के मामले को लेकर इस तरह से तंग करना अच्छी बात नहीं है, आज आप आए कल फिर आएंगे खो आएंगे, रेगुलर टॉर्चर किया जाता है तो अच्छी बात है, जमीन किनका है कहाँ है उससे कोई लेना देना भी नहीं है, उससे परेशान किया जाता है। तो क्या आपसे नहीं परेशान, दूसरे के नाम पे आप नौकरी नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरा आधार देख लीजिए, मेरा पैन कार्ड देख लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस देख लीजिए, जो चेक करना आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। डीपीओ स्थापना के द्वारा जांच करने का आदेश भी निकाला गया, ये तो हमको पता नहीं है निकाला गया तो हमको तो इसकी खबर भी नहीं है, ना हमको सूचना दिया गया, सूचना भी नहीं दिया गया, किसी भी चीज काम के लिए सूचित किया जाता है किस तरह का मामला है आपके साथ, आप फलाना जगह आइए, अब सिर्फ आप आए हैं तो हमको सूचना दे रहे किस तरह का मामला है। अब बेबुनियाद अगर कोई काम अगर कर रहा है तो फिर हम भी जाएंगे कोर्ट में। तो आपने शिक्षक को सुना, आरोपी शिक्षक को सुना, जो कि ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये जो है मामला जांच का विषय है, इस पे जांच होना चाहिए। हालांकि पूर्व चेयरमैन के बाइट में आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि शिक्षक जो है वो निलंबित हो चुके हैं, अब पूरा मामला क्या है ये तो जांच का विषय बना हुआ है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये काफ़ी अजीबोगरीब मामला है, 16 साल बाद ये मामला जो है उठकर सामने आया है और अपने छोटे भाई की जगह पे बड़ा भाई फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा था। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।